रहस्य मौत या मर्डर की कहानी बताने जा रही हूँ दोस्तों। यह बहुत ही रोमांचक और मज़ेदार स्टोरी है। जिन लोगों को जासूसों की कहानी अच्छा लगता है उनके लिए बेस्ट स्टोरी है। सस्पेंस की कहानी पढ़ने का अलग ही मज़ा है क्योंकि यह हमें शुरू से अंत तक रोमांचित करते रहता है। इस कहानी को ध्यान से पढ़ने में ही समझ में आता है क्योंकि इसमें सस्पेंस बना रहता है। इसलिए आप सभी स्टोरी को बड़े ध्यान से पढ़ें। मुंबई में अर्जुन नाम का एक डिटेक्टिव रहता है। वह बहुत ही चालाक और निडर था। वह हर केस को इजीली सॉल्व कर देता था। अर्जुन के साथ श्वेता और नेहा भी रहती थी। तीनों साथ मिलकर बड़ी से बड़ी केस को सॉल्व कर देता था। एक दिन विनोद नाम का एक आदमी सुबह 9 बजे अर्जुन के ऑफिस में घबराते हुए आता है और कहता है, विनोद, अर्जुन सर, मैं विनोद हूँ, बिजनेसमैन मुकेश का बेटा हूँ, मैं बहुत मुसीबत, मुझे आपकी मदद चाहिए। अर्जुन, बताइए मैं आपकी क्या मदद करूँ। विनोद, मेरे पापा की अचानक आज हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे लेकिन मुझे लग रहा है उनकी मौत नहीं हुई है, उन्हें मारा गया है, पर मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता और मुझे मर्डर का शक इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले उन्हें किसी ने फोन पर धमकी दी कि फिर अर्जुन अपनी टीम श्वेता और साथ विनोद के घर आया। वहां जाकर तीनों सारे घर की जांच की। तीनों ने घर का एक एक कोना जांच की। फिर कुछ देर बाद श्वेता ने डिटेक्टिव अर्जुन से कहा, श्वेता सर, यहाँ पर कुछ देखकर एक नेचुरल डेथ लगती है क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था, आने जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, मौत की वजह भी हार्ट अटैक है जो नेचुरल है, लेकिन ये मर्डर है तो कैसे। अर्जुन, आसान है नेहा, तुम गेट की कुंडी को चेक करो, अगर कुंडी लोहे की है तो ये मर्डर है और नहीं तो नेचुरल डेथ है। नेहा, ओके सर, कुंडी लोहे की है। अर्जुन, ओके, मतलब मुकेश का मर्डर हुआ है। अब मैं मर्डर और कुंडी का रिलेशन समझा देता हूँ। एक बहुत ही पुराना और फेमस तरीका है जिसमें चुंबक से लोहे की कुंडी को सरका कर बंद कर सकते हैं बिना कमरे में आए। और दूसरी बात ये है कि मौत की वजह तो हार्ट अटैक है, तो इसका जवाब है फर्श पर गीले गिलास की। इसमें जो पानी था उसमें ग्लूकोज और ड्रग्स मिला है जो हार्ट फेल कर देता है। अर्जुन, इससे एक बात तो साफ है कि ये एक मर्डर है और खूनी भी मौजूद है क्योंकि खूनी घर के दरवाजे के बारे में और मुकेश जी के डेली रूटीन के बारे में अच्छे से जानता है, इसलिए जो भी होगा जल्द पकड़ा जाएगा। श्वेता, लेकिन सर हमारे पास एक क्लू भी तो नहीं है, पता कैसे चलेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन, अपने आप पर विश्वास रखो, हम इस केस को सॉल्व करके ही रहेंगे। फिर तीनों जांच में और तेज कर देते हैं। तीनों ही जान से इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। फिर विनोद को कॉल आता है। विनोद, हेलो अर्जुन सर, मैं विनोद बोल रहा हूँ, अभी एक चिट्ठी मिली है जिस पर लिखा है तूने डिटेक्टिव अर्जुन को बुलाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, इसलिए अब तेरा टाइम खत्म। अर्जुन सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे भी मार देगा, प्लीज जल्दी कुछ करो। फिर अर्जुन अपनी टीम के साथ जल्द से विनोद के पास जाता है और चिट्ठी को नेहा देखती है। नेहा, ये चिट्ठी तो टाइप करके लिखी गई है और विनोद ने भी किसी को चिट्ठी फेंकते हुए नहीं देखा था, हमें आगे क्या करना चाहिए। अर्जुन, हमें माली सुरेश के पास जाना चाहिए, ये चिट्ठी उसी ने लिखी है क्योंकि इसमें से क्लोरीन की स्मेल आ रही है जिसका इस्तेमाल स्विमिंग पूल में किया जाता है और स्विमिंग पूल की सफाई सुरेश ही करता है। फिर सब माली सुरेश के घर जाते हैं। वहां जाते ही उन्होंने देखा माली खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और पास में एक रिकॉर्ड भी मिला जिसमें उसने अपनी बात रिकॉर्ड की हुई थी। उस रिकॉर्डर को ऑन करके सभी सुनते हैं। उस रिकॉर्डर में माली सुरेश बोलता है, मैं सुरेश हूँ, मुकेश साहब ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया था इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी है और हत्या के अफसोस के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। फिर सभी ये सुनकर शौक में पड़ जाते हैं
तभी अर्जुन कहता है, अर्जुन ये सुसाइड नहीं है, माली का मर्डर हुआ है। मेरे ये कहने के दो कारण हैं। पहला कारण, रिकॉर्डिंग में इसकी आवाज़ सुनकर साफ समझ में आ रहा है कि नशे में है, लेकिन यहाँ कोई बाटल या गिलास नहीं है। और दूसरी वजह से, अगर माली गोली लगने के कारण मर गया तो रिकॉर्डिंग किसने की? अर्जुन, इन सब का एक ही मतलब है, माली की बात किसी दूसरी जगह रिकॉर्ड की गई है और वहाँ चली गोली को माली की मौत नहीं हुई। माली सिर्फ एक मोहरा है हमें गुमराह करने के लिए। इसमें तो साफ पता चलता है कि खूनी कोई और ही है। नेहा, जैलिस को इन्फॉर्म करो, मर्डर का पता चल गया है। मर्डर मुकेश जी के नौकर ने किया है। उसके बाद अर्जुन सारे सबूतों के साथ नौकर को गिरफ्तार करवा देते हैं। विनोद, थैंक्स डिटेक्टिव अर्जुन, मैं जानता था आप खूनी जरूर पकड़ेंगे, पर आपको कैसे पता चला कि नौकर ही खूनी है? अर्जुन, मुझे ड्राइवर पर शक तब हुआ जब मैं तुम्हारे फोटो एल्बम देख रहा था, उसमें ड्राइवर की वाइफ को देखा। उसकी वाइफ ने पार्टी में फंक्शन में काफ़ी ब्रांडेड कपड़े पहने और गहने, और साथ ही हाथ में 3 लाख रुपए की कीमत का बैग। अर्जुन, मैंने जब उसकी इतनी महंगी वेशभूषा को छानबीन की तो पता चला कि ड्राइवर के बैंक अकाउंट में बहुत बड़ी रकम है, और खोजने पर पता चला कि वो सारे पैसे आपके पापा मुकेश जी मनी के पैसे हैं। उन्होंने इनकम टैक्स से बचने के लिए पैसे ड्राइवर के अकाउंट में डाल दिए। ड्राइवर उन सारे पैसों को हथियाना चाहता था, इसलिए मुकेश जी को मार दिया और नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की। अर्जुन, अगर ये सुसाइड या मर्डर होता तो जांच होती और सारा पैसा पकड़ा जाता, लेकिन जब उसने देखा कि मर्डर मर चुका है तो उसने दूसरी चाल खेली, माली को अपने घर पर शराब पिला कर बातें की और रिकॉर्ड कर ली, और इन सबका अहम सबूत मिला ड्राइवर के घर में लगे झूमर से। अर्जुन, मैं जब ड्राइवर के घर पूछताछ के लिए गया तो मुझे एक आवाज़ आई जो मौली के रिकॉर्डिंग में मुकेश जी के फोन के बैकग्राउंड में थी, जो हवा के कारण उस झूमर में आ रही थी। बस इतने सबूत काफ़ी थे उनके लिए। तो दोस्तों, आपको ये हिंदी सस्पेंस स्टोरी कैसी लगी, रहस्य मौत या मर्डर की कहानी, तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय, टेक केयर।